आप मेरे दाहिनी तरफ देख सकते हैं किस तरीके से स्वागत से पूरे शहर को चारों तरफ से सरोवर कर दिया गया है। मेरे दोनों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से स्वागत के लिए, यही वो पॉइंट है जहां से शुरुआत होगी। अगर बात की जाए तो रोड शो की, रोड शो, ओपन रोड शो, पहली बार महाराज के साथ शिवराज होंगे, पहली बार शिवपुरी में रोड शो में महाराज के साथ शिवराज होंगे। तो इसी क्रम में प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा के विजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं भाजपा के द्वारा, महाराज के द्वारा, महाराज के स्वागत की, महाराज के साथ शिवराज का पहली बार रोड शो में साथ है, तो किस किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं? नहीं, पूरी जनता ने और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रोड पे हवाई अड्डे से लेके दो बत्ती चौराहा से पुराना प्राइवेट स्टैंड, माधव चौक चौराहे से कोर्ट रोड होते हुए पूरा सजा रखा है। कहीं भी कोई जगह नहीं है, जनता में उत्सुकता है बात को लेकर, क्योंकि भविष्य में हमारे शहर की जो आय है उसका सबसे बड़ा साधन पर्यटन होने वाला है, जिसमें बाघ की, अब हमारा जो शिवपुरी है वो भारत के नक्शे पर अलग दिखेगा। 29 वर्षों बाद बाघ शिवपुरी में फिर से दहाड़ेंगे, कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोजेक्ट पे अगर बात की जाए तो महाराज काफी लंबे समय से प्रयासरत थे और उनके प्रयास को आज सफलतापूर्वक मिल रही है, जिसमें शिवराज जी का भी पूरा साथ रहा, स्थानीय मंत्री यशोधराज सिंधिया जी का भी साथ रहा, सभी लोगों के प्रयास से आज आम जनता के सहयोग से आम जनता उनका स्वागत कर रही है। तो पर्यटन की दृष्टि से भी शिवपुरी मैप पर आ रहा है, तो आगे आने वाला फ्यूचर शिवपुरी का टूरिज्म को लेके किस तरीके से है? भारत के नक्शे पर शिवपुरी शुरू से था, बाघ की वजह से माधव नेशनल पार्क हमारे मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर का नेशनल पार्क है, जिसमें महाराज ने पूरी मेहनत से केंद्रीय गृह मंत्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों से साथ लेकर, दोनों का सहयोग लेकर बहुत बड़ा काम शिवपुरी को कैलाशवासी महाराजा माधवराव सिंधिया जी की जयंती पर दिया है। इसके लिए हम महाराज सिंधिया जी का, मुख्यमंत्री जी का, माननीय भूपेंद्र बघेल जी का, भूपेंद्र यादव जी का हार्दिक आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा किस तरीके से शहर को सजा दिया गया है, शहर को बैनर पोस्टरों से पटा दिया गया है, और अगर बात की जाए तो महाराज के साथ शिवराज का साथ और आज इस रोड शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए शहर की जनता, भाजपा के प्रतिनिधि ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मैं अजय राज सक्सेना, फास्ट समाचार, शिवपुरी।